अपने आगे बढ़ने के लिए ना कोई नहीं रोक सकता, हम अपना खेल सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको पढ़ाई करना है तो खुद आगे आके बोलो कि हमको पढ़ाई करना है, हमको खेलना है, हमको डांस करना है। एक अपनी इच्छा को दबा के नहीं रखना है, कोई भी हो अपनी इच्छा को आगे सबके सामने बताए। गरीब आदमी है जो बनाए दाल रोटी भी खा लो, जी जैसे भी खा के चलो खेलने, सुबह हाँ शाम भी खेलना है तो भूखे भी चले जाते हैं खेलने। सब मिलके हम गुपचुप खा लिए थे उस पैसे का। पूरे 500 का हाँ, फोन में जैसे कि वीडियोस आते हैं सॉफ्ट बॉल के, तो जी। वो देखना अच्छा लगता है कि ये प्लेयर ऐसा खेलता है, ऐसा हम भी करें, एक दिन हमारा भी ऐसा वीडियो बने, तो वो सब देखते हुए। संगवारी हो जोहार, आज हमन हवन पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के बाजू में कुकुरबेड़ा नाम की एक नगर है वहाँ हमन, और हमन जाथन गंगा सोना के पास, तो वीडियो में बने रहो। ये तिरुमती चौक से लेफ्ट लेना, ये यहाँ से हाँ, फिर उसके बाद घर आ जाएगा, हल्की सी गली में घर आ जाएगा। ओके, दिखा दू घर। हाँ चलो ना, चलो तो संगवारी हो एड्रेस बताए के बाद भाई घलो हमारे साथ में जात हवे, साथ में है हमारे बिट्टू भाई है, और हमन दोनों जन पहुंचे हैं और पूरा घर तक छोड़ी से भाई है, ओखर बर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो ये वीडियो आप मन कंटिन्यू देखो, अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करे बढ़िया बुलाऊ, और बहुत ही मज़ेदार और अच्छा इंटरव्यू होने वाला है, तो संगवारी हो बने रहो। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में कलाकार की कमी नहीं है और टैलेंट की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में लगातार आए दिन नवा नवा टैलेंट और नवा नवा हुनरबाज मन है, उखर पहचान हो जाते कि वो कौन सा कैटेगरी में आगे जावा थे, कौन सा क्षेत्र में आगे जाते, ये तलाश लगातार होत रही थे, और साथ ही साथ उखर जो टैलेंट है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता घलो चला रहे थे। तो ऐसने है एक टैलेंट, ऐसने है एक हुनरबाज हमारे साथ में अभी हवा, और हमन हवन पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के जस्ट बाजू में है एक कुकुरबेड़ा का नाम से कॉलोनी है, नाम है उखर, वहां रही थे एक टैलेंट, और अपन सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहतन कि अगर उखर पास पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, फिर भी सबसे बड़े जो चीज होते उखर जो मेहनत, साहस और घर परिवार के सपोर्ट। तो ऐसने है कुछ ऊर्जा से भरे हुए गंगा सोना नाम है उखर गुड़िया के, और ये जाने वाला है विदेश दौरा करे बर, काबर की सॉफ्ट बॉल प्लेयर है और मौका मिले है इंडिया लेवल ला प्रेजेंट रिप्रेजेंट करे बर। तो देर न करते उखर से मिलावो, लेकिन आप मन से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप मन ये वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा देखू और ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ। तो हमारे मेहमान के स्वागत करते हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपने। थैंक यू भैया। सर आप ला भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। हम मन जानना चाहबो कि आपके सबसे पहले शुरुआत आप मन है कब से करे हो कि आप ला ये क्षेत्र में जाना चाहिए, और मेहनत किस तरीके से होत रही से, कौन कौन सपोर्ट करे है, किस तरीके से आप ला आर्थिक दृष्टि से परेशानी होत रही से, ओकर बारे थोड़ा बता। मैं शुरू तो अपने स्कूल से की हूँ, स्कूल में मैं खेलना चालू की हूँ, स्कूल में देखती थी मैं, हमारे स्कूल में गेम होता है सॉफ्ट बॉल, तो मैं स्कूल से खेलना चालू की, भैया हमारे जो सीनियर्स होते थे वो खेलते थे, तो हमको अच्छा लगने लगा कि ये गेम होता है हम भी खेले। फिर स्कूल में तो प्रैक्टिस नहीं हो पाता था, तो हमको बताया कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रैक्टिस होता है सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। फिर हम एक दिन गए, हमको लाइन में खड़ा किए कि ऐसा गेम होता है, हमको समझाया, फिर हम समझे उस गेम को ऐसा है, हम खेल सकते हैं इसमें इसको, तो हम धीरे धीरे चालू किए। फिर हमको खेलना कैसे है ये सब सिखाया गया, फिर पता चला कि इस खेल का महत्व क्या है। फिर हम स्कूल स्टेट खेलने गए, तब हमको पता चला कि इतने लोग खेलते हैं इसे, फिर हम फिर स्कूल स्टेट खेले, फिर उसमें स्कूल नेशनल खेले, फिर नेशनल लेवल तक के खेले में, और हमारे कोच मैनेजर जितने भी हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे ओपी शर्मा सर और भूपेंद्र सर हमारे कोच है, वही हमको इतना मेहनत करके इतने आगे तक मेरे को पहुंचाए हैं, और सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माता पिता का है कि वो मेरे को इतना सपोर्ट किए कि मैं इतने आगे तक के आई हूँ। और मेरे बड़े भैया का सपना था कि वो इंडिया खेले, तो वो कुछ दिक्कत के कारण वो नहीं खेल पाया, तो मैं मेरे को खिलाने की चाह थी उनकी, तो वो आज वो मैं खेल रही हूँ उनके लिए, मैं खुद से ज्यादा उनके लिए खेलना चाहती हूँ इसलिए मैं खेल रही हूँ। अच्छा, हम लोग सुने हैं कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो जाने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाए, तो क्या कारण था कुछ बताना? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो शोल्डर प्रॉब्लम आ गया, तो वो खेल नहीं पाए, फिर दोबारा इस दिक्कत की वजह से वो नहीं खेले। अच्छा, सबसे पहले घर घर वाले को पता था, मम्मी पापा को, कि आप ये सॉफ्टबॉल के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर सीखने जा रही हैं, कब पता चला? घर वाले को मैं स्कूल से ही खेलना चालू कर दी थी,
तो घर वाले को बता के जाती थी मैं कि मैं सॉफ्टबॉल खेलने जा रही हूँ। और जब मैं खेलना चालू की, फिर स्टेट खेलना चालू की, तो पता चलने लगा मोहल्ले वाले को भी ऐसा खेल है, ये खेलती है गुड़िया। फिर मैं कभी गैप भी करती थी, जिस दिन नहीं गई तो मेरे घर वाले मेरे को डांटते हैं कि क्यों नहीं गई तू, जिसमें हमारा भविष्य बन सकता है उसको हम करें, घर में सोए रहने से कुछ नहीं मिलता, खेलने जाओ, ऐसा बोल के हम मेरे को बोला गया। अभी इस मोहल्ले में अगर बात करें तो और खिलाड़ी हैं कि आप पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो अपने इस मोहल्ले से हैं या फिर इस क्षेत्र के आसपास के? नहीं, हमारे इस मोहल्ले में बहुत सारे सॉफ्टबॉल के प्लेयर हैं, वो भी इंटरनेशनल खेले हैं हमारे मोहल्ले वाले। तो तकरीबन कितने हैं? तकरीबन 8-10 होंगे। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि हम भी खेल सकते हैं, तो हम धीरे धीरे मेहनत किया, आज वो मेहनत हमारा काम आया। अभी आपकी एज क्या है? मैं 19 साल की हूँ। तो कितना साल हो गया आप बोल रहे हो? मैं 2014 से चालू की हूँ जी। अच्छा, अभी क्या तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? आपको जाना है विदेश, चाइना जाना है, चाइना है ना? तो चाइना जाना है, तो फिर उसके लिए तैयारी क्या चल रहा है और कब इसका ट्रेनिंग अगर वगैरह रहेगा, कहाँ से आपका जाना होगा? हाँ, मेरा तो 2 तारीख को मेरा सेकेंड कैंप है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मेरे को 2 से 4 तारीख से मेरा कैंप स्टार्ट होगा 25 तारीख तक के। और मेरे को चाइना सितंबर में, 23 सितंबर को चाइना जाना है मेरा फर्स्ट मैच। ऐसा कुछ अभी सारणी बन गया है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं बना है, नहीं पहुंचना है जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अपने बिटिया को इस काबिल अभी बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करा रहे हैं, साथ में देश दुनिया का भी नाम होगा। कैसे मतलब इसके लिए सपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सपोर्ट ये है कि सर, देश दुनिया में जहाँ भी बच्चे खेलते हैं जी, सबका नाम आता है जी जी, इसी के कारण हमारे बच्चे भी खेलना चाह रहे थे जी। तो हम बोले अगर तुम खेलना चाहते हो, उस योग्य हो, बन सकते हो जी, तो खेलो करके हम भी उनको आगे बढ़ाए। हाँ, तो आज भी इसका नतीजा आया है कि वो विदेश अच्छा कर रही है, योग्यता बन रही है जी। अच्छा, इसके पहले आपने लड़का भी प्रयास कर रहे थे, उस समय उनको भी आप फुल सपोर्ट दे रहे थे फैमिली की तरफ? सपोर्ट था जी। अब उसका एक्सीडेंट होने के कारण वो शोल्डर प्रॉब्लम आया, तो बॉल फेंकना रहता है उनको जी जी, हाथ घुमा करके जी, नहीं हो पाया। हाँ, तो इस वजह से नहीं, उस बीच से फिर अपने बहन को बोले कि मैं नहीं कर पाया ये काम, आप लोग करो करके, वो उसके माध्यम से बेटी मेरे अभी वहाँ तक कर पा रही है जी। अच्छा, अभी परिवार वाले क्या बोलते हैं इसके पहले, या फिर और परिवार वाले जो आसपास के बोलते हैं ना कि बेटी को कुछ पढ़ा लिखा दो, उसके बाद तो ससुराल ही जाना है, क्या पढ़ाना या क्या कुछ सिखाना, ऐसा कुछ फेस किए हो आप? नहीं, कहीं कोई बोले तो नहीं है, क्योंकि समाज में चार तरह का विचार बोलते रहते हैं, लेकिन असली समझदारी अगर कोई दिखाना हो तो माता पिता ही दिखाते हैं, जो कि आप दिखा रहे हो। लोगों का कहना तो कुछ भी कह सकते हैं, पर कुछ बन के अगर ससुराल जा रहे हैं तो उसमें पूरा ही क्या है जी जी। इसी कारण हमने सोचा कि तुम कुछ बनो फिर जाओ, तो दुनिया में नाम रहेगा और अपना जीवन में कभी भी कुछ भी करने के लक्ष्य रखोगे आदमी, तभी आगे बढ़ पाता है जी जी। अच्छा, अभी अभी क्या करते हैं, अभी काम धाम आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। हाँ, ऑटो चला के बाकी जो बच्चे के लिए जितना हेल्प हो सके वो कर। हाँ, अच्छा, अभी गुड़िया जब जा रही है तो आप इसके साथ जा रहे हैं कि भाई जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अकेली जाएगी, केवल टीम के साथ वो जाएंगे जी। हाँ, ठीक। मम्मी? हाँ, वो घर पे ही रहे। तुम्हारी हो अभी गंगा के माता जी हवा, उखर से भी हमन बात करथन कि उखर का कहना है, कतका खुशी होते बेटी अतका सुघर नाम करे हवा। माता जी प्रणाम। प्रणाम जी। कितना खुशी हो रहा है, गुड़िया बाहर जा रही है और इतना अच्छा काम की है, जो काम करना चाह रही थी जिस क्षेत्र में, उसमें सपोर्ट कर रही हो आप, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत खुशी हो रहा है मेरे को जा रही खेलने के लिए, तो जी हाँ बहुत खुशी लग रहा है, पर भगवान की दुआ से अच्छा से खेले और आगे बढ़ के खेल के जीत के आए तो और खुशी लगेगा जी। है बहुत अच्छा है, मैं कितना भी तकलीफ से मैं काम बूता सब में कर ली और मेरे लड़की को खेलने भेजी, खेल के आए अच्छा से, जीत के आए तो अच्छा लगे जी, ऐसा बोल के तो मेहनत करवा रही हूँ मेरे बच्चे को, मेहनत का फल मिला दे भगवान ऊपर वाला सही सलामत जी। बेटी अच्छा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और जो खेल खेल रही है उसके लिए शुभकामनाएं तो देती हैं, लेकिन खाने पीने का कैसा ख्याल रखती हैं आप? खाने पीने का जो घर में जैसा बनता है वैसे तो खाते हैं, भाजी भात भी खा लेते हैं,
आलू सब्जी खा लेते, जो भी बनता है सब घर में खा लेते हैं मेरे बच्चे लोग, ऐसे वो नहीं करते हैं। ये डिमांडेड नहीं है कि हाँ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए नहीं है जी। जो भी गरीब आदमी है जो बनाए दाल रोटी भी खा लो, जैसे भी खा के चलो खेलने, सुबह शाम भी खेलना है तो भूखे भी चले जाते हैं खेलने। अच्छा हाँ, खाने का कोई वो नहीं करते, हमारा खेल से मतलब है, खेल के आएंगे तो खा लेंगे, चलो अभी खाना नहीं बनाए करके दोबारा शाम को और निकल जाते हैं। जी जी। अच्छा आप गंगा जी आप बताइए, इस टीम में यहाँ छत्तीसगढ़ से और कौन कौन है कि आप अकेली हो? इसमें वो प्रीति दीदी भी है, वो स्टैंड बाई में है, जिस जो प्लेयर नहीं जा पाता है ना वो फिर रिप्लेस करेंगी। तो अभी आप अपने तरफ से कैसा तैयारी कर रही हैं जाने के लिए, क्या कुछ है उसमें? अभी तो हमारा जब भी वहां से हम आए हैं कुछ एक हफ्ते ही हुए हमको आए हुए, तो अभी बारिश के कारण तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, रनिंग कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं थोड़ा, वो उस लाइन में ही रहने के लिए, जो भी कंटिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस। अच्छा आप कबड्डी के बारे में जानते हैं कि नहीं जाना है? जी आप मन कबड्डी मैं स्कूल में खेली हूँ, पर एक बार मैं स्कूल में ट्राई की थी पर मेरे को अच्छा नहीं लगा था, वहाँ लोग बहुत मारते थे, चीमटते थे, तब से मैं छोड़ दी। अच्छा कबड्डी कबड्डी बोल के मार देते थे वो? मारते थे, तब मेरे बाल लंबे थे तो ऐसे बाल खींच दिए थे, तो मैं दोबारा खेलना नहीं चाहती थी, मतलब वहां से डर गई थी। हाँ। तो इसीलिए आप छोटी 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 बाल कर रहे हैं? नहीं मैं ऐसा बात नहीं है, मैं जब खेल के फील्ड में गई ना तो मेरे बड़े भैया है ना, तो माइंड डेवलप मत हो उसका, इसलिए वो भैया ने बाल कटवा दिए, क्योंकि खेलते खेलते बाल ऐसे आ जाता है ऐसे, तो डिस्टर्ब मत हो बोल के मेरे बड़े भैया ने हमारा बाल ऐसे किया है, दोनों बहन का हमारा। क्या बात। अच्छा भैया के बारे में थोड़ा और बताइए ना, क्योंकि जा तो रहे थे लेकिन बात इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, तो थोड़ा और कुछ आपके भैया के बारे में। मेरे भैया रोहित सोना नाम है उनका, वो हम दोनों बहन को ऐसा सपोर्ट करते हैं कि तुम लोग को किसी भी चीज की दिक्कत है तो तुम बस मेरे को एक बार बोलो, मैं वो चीज करूंगा, ऐसा करके हमको किसी भी चीज की दिक्कत होती है, रोहित भाई ये चाहिए, रोहित भाई वो चाहिए, इसलिए हम हमेशा उनके लिए ही सब करना चाहते हैं, जैसे वो हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं उनके लिए हम कुछ करें। क्या इंडिया लेवल में कितना ट्रॉफी आप जीत चुकी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ आपने खेली है और सबसे पहली बार आप कौन सा प्रतियोगिता में हिस्सा ली थी? सबसे पहली बार तो मैं स्कूल स्टेट से चालू की, वो रायगढ़ में हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमको पता नहीं था कि कैसा खेलना है कैसे नहीं, फिर फर्स्ट टाइम गए हमको समझ में आया, तो हम उसमें कुछ हमारा प्लेस नहीं लगा था, फिर हम सेकेंड टाइम गए तो हम फर्स्ट आए थे वहीं रायगढ़ में, फर्स्ट प्लेस वहीं से लगना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद मैं नेशनल खेलना चालू की, नेशनल में पहले ट्रायल होता है हमारा, तो हम सिवरीनैंड गए थे, सिवरीनैंड में भी हमारा फर्स्ट था ट्रायल्स में जी। फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम गए हैदराबाद, हैदराबाद से फिर चालू हुआ हमारा नेशनल खेलना, फिर तभी सब बड़े बड़े रहते थे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, तो हमको पता नहीं था, फिर एक स्टेप हम उसमें भी हमारा प्लेस नहीं लगा था, फिर जब हम सेकेंड टाइम वो हुआ हमारा, सोचे हम कि हमारा ऐसा है हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारी टीम एक कैंप लगा, फिर हमारी एक यूनिटी ऐसी बनी कि हम सेकेंड टाइम गए तो हम सिल्वर मेडल लेके आए वहाँ। अच्छा, जैसे टीम होता है तो फिर कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं, मैं उसके बारे में मालूम नहीं। हमारी टीम में 16 प्लेयर रहते हैं और वो 9 प्लेयर मैच खेलते हैं, तो जो 9 प्लेयर मैच खेलते हैं उसमें पिचर कैचर राइट आउट लेफ्ट आउट थर्ड बेस ऐसे रहते हैं, तो उसमें पिचर फेंकता है और 7 बॉल रहता है, 7 बॉल में 3 बॉल को चूज करके हिटर को मारना पड़ता है, 7 मारना ही है, 7 में 3 बॉल उसको मारने के लिए मिलता है, और वो ही 3 बॉल में कंटिन्यू फेंक दी और वो मिस करता है तो प्लेयर वो बैटर आउट होता है। अच्छा, ऐसा इसका खेल का प्रोसेस है। और ऐसा 4 ऐसा बेस रहता है, उसमें एक बेस में जाएगा, 4 बेस को टच करके आएगा तो 1 रन बनता है हमारे। ये कितना ड्यूरेशन का रहता है? एक एक बेस 60 फीट का रहता है। नहीं ड्यूरेशन बोले तो कितना समय तक रहता है ये गेम? कितने समय तक के मैच इनिंग हिसाब से होता है, 3 इनिंग 4 इनिंग 5 इनिंग 1 घंटा भी लग जाता है 2 घंटा। हाँ मैच वैसा। अच्छा कहाँ कहाँ इंडिया लेवल में कहाँ कहाँ प्रतियोगिता में शामिल हुई? मैं बहुत सारे नेशनल में मतलब कौन कौन से राज्य में आप खेले? मैं कटक भी गई हूँ,
पंजाब गई हूँ, मध्य प्रदेश गई हूँ, आंध्र प्रदेश गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, पूरे इंडिया घूम चुकी हूँ। हाँ, उड़ीसा भी गई हूँ और कहाँ गई थी, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात। गुजरात नेशनल गेम में हमारा मेडल लगा था। अच्छा, हमने सुना है कि आप फर्स्ट टाइम जब कहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ली थी स्टार्टिंग में, तो फिर उस पैसे को घर में लेके आके फिर उसके बाद गुपचुप का शौकीन थी, तो गुपचुप फर्स्ट टाइम मिला था तो ज्यादा खुशी में थी। फिर नानी घर जा रहे थे हम, तो सब मिलके हम गुपचुप खा लिए थे उस पैसे का, पूरे 500 का। कितने लोग खाए थे 500 का कि अकेले खा गए? अकेले नहीं खाई थी, पूरी फैमिली, हम नानी घर जा रहे थे तो हमने सब मिलके खाया था। गुपचुप ज्यादा पसंद है? हाँ, बहुत। और क्या क्या पसंद है आपको? और बहुत सारी चीज पसंद है, बिरयानी पसंद है, रसगुल्ला पसंद है। तो इसमें जैसे ये खिलाड़ी है सॉफ्टबॉल के लिए, तो इसमें कोई ऐसा डाइट का नहीं है कि आपको ये चीज नहीं खाना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा रहता है हमारे में, खट्टा ज्यादा खाने का नहीं, बाहर का मोमोस वोमोस खाने का नहीं है, पर हफ्ते में मैं एक दो बार बस खाती हूँ गुपचुप, ऐसा नहीं खाती मैं। उसमें अलाउ है उतना, थोड़ा बहुत बस। उसके बाद सोने का और उसके बाद फिर कितना समय जगने का, ऐसा कुछ टाइमिंग? हाँ, पूरा एक शेड्यूल बताइए ना, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? हमारा तो मॉर्निंग 6:30 बजे ग्राउंड लगता है, फिर 9:30 बजे हम वहाँ से आ जाते हैं, फिर 12 बजे हमारा स्कूल रहता है 12 से 5, फिर 5 बजे आके 5:30 बजे ग्राउंड जाते हैं, फिर 7 बज जाता आते, फिर आके घर में हाथ पैर धो के खाना वाना खा लिए, फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर वही सुबह वही रूटीन चालू हो जाता है 6 बजे उठना। ये स्पोर्ट्समैन की कहानी है। लेकिन इसके बाद जैसे पढ़ाई का अगर बात करें, तो पढ़ाई कहाँ तक की है और आगे पढ़ाई के लिए क्या कर रही है? अभी तो मैं 12वीं क्लास में हूँ, 8 सब्जेक्ट लिए मैं। तो अभी कैसे कर रही है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो अभी नहीं, प्राइवेट नहीं, स्कूल में। स्कूल जी, स्कूल जाती हूँ मैं। आगे फिर जैसे हमने सुना है कि आप IPS IAS बनना चाहती थी, ऐसे कुछ? जी, बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अभी सोची नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ, उसके लिए पढ़ाई करना है मुझे, लेकिन मैं करूँगी अभी मेहनत उसके लिए। अगर इंडिया लेवल में देखें तो कौन है आपके जो बेस्ट IAS IPS इसके जैसा मेरे को मैं अपनी सीनियर है ममता दीदी, वो पंजाब पुलिस में है, वो उनको देख के मैं चाहती हूँ कि मैं भी बनूं पुलिस वाली से। उनके देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बन सकती हूँ। उनका काम, उनकी एक बेटी भी है, तो वो इतनी सीनियर होके, इतनी उम्र वाली होके, वो सबसे ज्यादा इंडिया लेवल में देखा जाए तो स्पीड उनके पास है सबसे ज्यादा, तो वो इतनी, हाँ, वो इतनी एजेड होके वो ऐसा कर सकती है, तो हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो हम भी कर सकते हैं, इस सोच के मैं करना चाहती हूँ। ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। अच्छा, बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मोटिवेट देना है, मोटिवेशन कुछ कहना चाहेंगे अगर इस क्षेत्र में आना चाहती है या किसी भी क्षेत्र में कोई अगर लड़की हो महिला हो? अगर किसी को दिल से चाह है तो वो कर सकता है, जैसे कि कोई बोलेगा, कोई रोकेगा टोकेगा, किसी के बात में आके अगर अपनी खुशी को कोई रोकेगा तो वो उसके लिए गलत है। जो अपने आगे बढ़ने के लिए ना, कोई नहीं रोक सकता, हम अपना खेल सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको पढ़ाई करना है तो खुद आगे आके बोलो कि हमको पढ़ाई करना है, हमको खेलना है, हमको डांस करना है। एक अपनी इच्छा को दबा के नहीं रखना है, कोई भी हो, अपनी इच्छा को आगे सबके सामने बताए। अच्छा, फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ सबसे ज्यादा मम्मी किससे बात होती है कि पापा से? मेरी तो पापा से बात होती है जी। पापा फ्रेंड है। मम्मी दुलार करती है, पापा फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा जैसे थोड़ा पर्सनल अगर जानना चाहे तो क्या चीज ज्यादा पसंद है आपको, जैसे खाने की हम लोग बात कर ली, उसके अलावा घूमना फिरना डांस करना? मैं तो फोन चलाना पसंद। तो बहुत अलाउ है क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है दिन भर? अभी मेरे को इस 2 महीने में ही फोन मिला, मेरे को फोन अलाउड नहीं था अभी। तो, अच्छा, इसमें रोकना चाहूंगा, फोन चलाना ज्यादा अच्छा है कि फोन में कोई एप्लीकेशन यूज करना है? फोन में जैसे कि वीडियोस आते हैं सॉफ्टबॉल के, जी जी, तो वो देखना अच्छा लगता है कि ये प्लेयर ऐसा खेलता है, ऐसा हम भी करे, एक दिन हमारा भी ऐसा वीडियो बने, तो वो सब देखते हुए यूट्यूब में और इंस्टा में जो आता है वीडियो, वो सब देखते हैं। क्या बात है, लोग अगर बोलते हैं कि फोन चलाना करके, तो फोन चलाना का मतलब आप इंस्टाग्राम लेके चले जाओ, व्हाट्सएप लेके चले जाओ या फेसबुक लेके चले जाओ, जो दूसरे वीडियो बनाए उसको देख देख के स्क्रॉल करते रहो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने जो हुनर है उससे रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है,
और कहीं ना कहीं अच्छा सोच है और छोटी सी उम्र में इतना अच्छा नाम बना रही है, नाम बना रही है घर परिवार सभी का। तो हमारे सिजनर्स परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है, और आप लोग भी अपने राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर माह में ये चालू होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।